Welcome to my channel Learning Tools. Subscribe to my channel for more videos. Let's learn with fun. Hello everyone. Today I am going to explain this chapter Robinson Crusoe Discovers a Footprint in Hindi. आज मैं आपको ये chapter Robinson Crusoe Discovers a Footprint हिंदी में समझाने वाली हूँ. तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं. कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट दिस मैन हिज नेम इज रॉबिन्सन क्रूसो. इसी का नाम रॉबिन्सन क्रूसो है. रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज समुद्र के द्वारा नष्ट हो गया था. He had been alone for many years and longed for company. वो कई सालों तक अकेला रहा और किसी के साथ के लिए इंतजार करता रहा. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसे रेत पर किसी के पैरों के निशान दिखा. Let's find out what he did then. तो चलिए पता करते हैं कि तब उसने क्या किया. One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. मैं रेत पर किसी के पैर का निशान देखकर हैरान रह गया. I stood amazed, I listened, I looked around me. मैं हैरान खड़ा रहा, मैंने सुना और मैंने इधर उधर देखा. I could neither hear nor see anything. ना मैं कुछ सुन पा रहा था और ना ही मुझे कुछ दिखा. I went up higher to look down. मैं थोड़ा ऊपर चढ़ा ताकि मैं नीचे देख सकूं. I went up the shore and down the shore. मैं किनारे पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गया. But it was no good. पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ. I could find no other footprint but that one. मुझे उस एक पैर के निशान के अलावा और कोई भी निशान नहीं दिखा. I went to it again to see if there were any more footprints. मैं उस निशान के पास फिर से गया ये देखने के लिए कि क्या वहां पर और भी पैर के निशान हैं. एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. और ये भी देखने के लिए कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कही की है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. पर ये मेरी गलती नहीं थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. Toes, heel, every part of a foot. क्योंकि वहां पर हूबहू पैर के निशान जैसा दिखने वाला ही निशान था, जिसमें हम पैरों की उंगलियां, एड़ी और एक पैर के निशान का जो जो हिस्सा होता है वो सब वहां दिख पा रहा था. I could not imagine how it came there. मैं कल्पना ही नहीं कर पा रहा था कि ये निशान यहां पर आखिर आया कैसे. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज. मैं वहां बहुत देर तक रुककर सोचता रहा पर मैं और उलझता रहा और उलझता रहा. एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटन्ड looking behind me after every two or three steps, mistaking every bush and tree to be a man. आखिरकार मैं डरता हुआ घबराता हुआ घर वापस आ गया. जब मैं घर वापस आ रहा था मैंने क्या किया, मैं हर दो तीन कदम के बाद पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं. और मैं हर झाड़ी को क्या समझ रहा था, हर झाड़ी और पेड़ को मैं समझ रहा था जैसे कि कोई इंसान वहां खड़ा हो
यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो बहुत ज्यादा डर गया था। तो उसे इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कि हर झाड़ी हर पेड़ क्या है, कोई इंसान वहां खड़ा है। When I came to my cave, which I call my castle, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, जिसको मैं क्या कहता था, castle, castle means महल, I ran inside it, मैं अपनी गुफा के अंदर दौड़ता हुआ गया, as if I was being chased, ऐसे दौड़ता हुआ गया जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I call the door, मुझे याद भी नहीं कि मैं अंदर सीढ़ियों से गया या जो उस पत्थर पर एक छेद बना हुआ था उसके जरिए अंदर गया, जिसको कि मैं दरवाजा कहता था। यानी कि उसको याद भी नहीं था कि उस दिन उसने अपनी गुफा में जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया या फिर जो पत्थर के बीचों बीच एक छेद बना हुआ था जिसको कि वो दरवाजा कहता था, वो उससे अंदर गया। I ran for cover faster than any animal could run. और मैंने क्या किया, मैं अपने बचाव के लिए दौड़ा। मैं किसी भी और जानवर से जो कि तेज दौड़ता है उससे भी तेज दौड़ा अपने बचाव के लिए। I did not sleep that night. उस दिन मैं नहीं सोया। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं जितना उस पैर के निशान के बारे में सोच रहा था जो कि मैंने देखा था, मैं उतना ही और डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैंने सोचा कि ये जरूर उन जंगली लोगों में से एक होगा जो कि मेनलैंड से आया होगा। सैविजेस किसको कहते हैं, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, यानी कि कोई जंगली इंसान मेनलैंड से आकर यहां वहां भटकता हुआ उस समुद्र के किनारे आ पहुंचा था अपनी छोटी सी बोट पर। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, किस्मत से मैं उस वक्त वहां किनारे पर नहीं था। But what if he had seen my boat? पर क्या होता अगर वो मेरी नाव को देख लेता? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने मेरी नाव देख ली होती तो क्या होता, उसको पता चल जाएगा कि कोई इस टापू पर, इस आइलैंड पर रहता है। And would soon return with others to kill and eat me. और अगर उसको पता चल जाएगा कि कोई इस आइलैंड पर रहता है तो वो और साथियों के साथ में वापस आएगा मुझे मारने के लिए और मुझे खाने के लिए। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. इसलिए मैं कई दिनों तक बहुत ही डर में रहा और मैं अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करते करते, अपने लिए प्रार्थना करते करते, उसका थोड़ा सा मन शांत हुआ और वो फिर से उस पैर के निशान की जांच करने के लिए बाहर निकला। But even now, as forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. पर अभी भी बाहर निकलते हुए मैं बार बार पीछे देख रहा था क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days, and saw nothing, I became a little bolder. हालांकि जब 2-3 दिनों तक उसे कुछ नहीं दिखा
तो वो थोड़ा सा और बोल्डर, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास आ गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने तय किया कि मैं उस किनारे पर नीचे फिर से जाऊंगा और उस पैर के निशान की जांच एक बार फिर से करूंगा। I decided to measure it with my own footmark. मैंने तय किया कि मैं अपने पैर के निशान से उस पैर के निशान को नापूंगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं उस पैर के निशान के पास गया, मैंने महसूस किया मेरे पैर का निशान तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बीच के इस हिस्से में तो काफी समय से आया ही नहीं था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात ये कि जैसे ही मैंने अपना पैर का निशान उस पैर के निशान के सामने रखा, तो वो पैर का निशान मेरे पैर के निशान से काफी बड़ा था। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. मेरा डर फिर से वापस आ गया और मैं फिर से अपने घर वापस चला गया, ये सोचकर कि वहां जरूर कोई था। The